मौसम के दौरान चंडीगढ़ दे विच पानी दीआं कीमतां दे विच वाधे दे मुद्दे ते सियासी गर्मी वधा दित्ती गई है। दस दईए कि चंडीगढ़ दे विच अज तों पानी दीआं कीमतां च 5% दा वादा कीता गया है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ दे लोकां नूं 20,000 लीटर मुफ्त पानी देण दी वकालत कर रही है ते कांग्रेस गठजोड़ पानी दीआं वधदीआं कीमतां दा मुद्दा जिहड़ा है जोर शोर दे नाल उछाउण दी तैयारी कर रहा है। मेयर कुलदीप कुमार ने इस फैसले का विरोध किया है। पानी दीआं कीमतां दे विच 5% दा वाधा होया है। कांग्रेस वधदीआं कीमतां दा मुद्दा जोड़ा है चुकण दे लई तैयार है ते मेयर कुलदीप कुमार ने फैसले दा विरोध किया है। देखिए, बिल्कुल उस टाइम भी हमने लेटर निकाला भी है और गुजारिश भी की है अपना लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी से नितिन यादव जी से कि ये 5% जो है रेट नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। उस पर हमने विचार करके बताया भी था कि हम किस तरीके से चंडीगढ़ की पब्लिक को हम किस तरह से हम प्रॉफिट में दे सकते हैं। प्रॉफिट का मतलब 20,000 लीटर पानी कैसे खरीद सकते हैं। वो हमें पूछा गया था कि आप मतलब जो है एमसी को बहुत नुकसान होगा, घाटा हो जाएगा, हम कैसे करेंगे। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारा कुछ बताया कि जो 50,000 जो लोग हैं वो 20,000 लीटर से पानी कम यूज़ करते हैं और उनका अगर देखा जाए तो साल का 4,80,00,000 रुपये खर्च आते हैं, परंतु उसकी अवेज में जो 35,000 मीटर जो खराब पड़े हैं, 35,200 कुछ समथिंग है, तो वो मीटर जो खराब पड़े हैं अगर उन्हें दुरुस्त कर दिया जाए और एक कजौली वाटर का जो हमने बताया था पूरा एग्जांपल के तौर पे भी वो जो कुछ कुछ त्रुटियां हैं ये लीकेज खत्म करने के, उस पर हमें कितना वापस आ रहा था 23 करोड़ कुछ। तो अगर हमारा हम एक तो प्रॉफिट करके दे रहे हैं एमसी को जो 23 करोड़ का लॉस हो रहा है, प्लस उसकी एवेज में हम कहते हैं अगर हम 5 करोड़ करीबन 5 करोड़ लगा लीजिए, 4,80,00,000 बनते हैं, 5 करोड़ लगा लीजिए, हम अगर उन्हें छोड़ भी देते हैं पानी का जो 20,000 लीटर पानी का हम उन्हें गरीब मिडिल क्लास फैमिली को छोड़ भी देते हैं तो आने वाले समय में कम से कम उनका अच्छा हो जाएगा जो 20,000 लीटर पानी है और पानी के जो है क्या कहते हैं बर्बादी होने कम हो जाएगी। तो हम वो वेस्टेज खत्म करना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये लगेगा कि अगर हम आज 20,000 लीटर कम से पानी यूज करेंगे तो हमारा बिल 0 आएगा, तो इससे वेस्टेज कम हो जाएगी। और जो दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे पिछले जो कमिश्नर साहब थे के यादव जी, उस टाइम पानी जो था 3 टाइम आता था, सुबह, दोपहर और शाम को, परंतु उन्होंने कहा जी वेस्टेज ज़्यादा है तो उन्होंने दोपहर का पानी बंद कर दिया। एमसी में अपना लाए होंगे एजेंडा और वो पास करा दिया जी। अब हमारे पास आ रहा है सुबह और शाम का पानी जो कि बेसिक नीड है लोगों की, लोगों ने नहीं मांगा था 24 घंटे पानी, परंतु उनके ऊपर थोपा जा रहा है भी हम 24/7 आपको पानी देंगे प्लस आपसे दुगने तिगने पैसे लिए, लेकिन पब्लिक नहीं मांग रही। पब्लिक का मानना यह है कि हम शहरवासियों को अगर सही ढंग से 2 टाइम भी पानी अच्छे से मिल जाए तो जरूरत नहीं है हमें 24 घंटे पानी। अब 24 घंटे अगर हम 24/7 करेंगे तो पानी की वेस्टेज ज़्यादा होगी और वो पानी की वेस्टेज हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि पानी की शॉर्टेज पहले ही में बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़ में जो है भूस्तर बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर जा चुका है तो हमें एक तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरा नहरों से हमें पानी लेकर उसे साफ सुथरा करके लोगों को पहुँचाना चाहिए, तीसरा हमें 24 घंटे न करके लोगों को बेसिक नीड जो हमने कहा है 20,000 लीटर पानी जो हमारा यहाँ पर होना चाहिए। पानी जैसे कह सकते हैं हम पंजाब और हरियाणा की राजधानी है तो हमारा यहाँ पर दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम यहाँ पर पानी पिलाना पुण्य का काम मानते हैं। हम गर्मियों के अंदर बड़ी बड़ी छबीली भी लगाते हैं, लंगर भी लगाते हैं जिससे कि वहाँ पर अपने लोगों को हम प्यास से हम राहत दिलाते हैं।